अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाली पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को कद्दावर नेता बताया है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए सत्यपाल मलिक ने कहा कि वसुंधरा का राजस्थान में काफी वर्चस्व है, ऐसी स्थिति में उनके बिना बीजेपी का राजस्थान में काम नहीं चलेगा, ये बात बीजेपी जानती है, बावजूद इसके पार्टी राजे को आगे नहीं लाएगी। बीजेपी के अलावा सत्यपाल मलिक ने कांग्रेस पर भी हमला बोला है और अशोक गहलोत और सचिन पायलट को लेकर बड़ा बयान भी दिया है। सत्यपाल मलिक ने कहा कि राजस्थान में अब तक जाट को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया गया, ये स्थिति तब है जब वर्तमान में जाट समाज के 38 विधायक हैं। हमेशा जाट समाज को मुख्यमंत्री पद से दूर रखा गया है, जाट मुख्यमंत्री नहीं बन पाए इसके लिए जाट नेता खुद ही जिम्मेदार है। रामनिवास मिर्धा चुनाव में केवल 2 वोट से हारे थे और 4 लोगों ने क्रॉस वोट किया था उन्होंने कहा कि ये लोग खुद ही गड़बड़ी करते हैं, इसीलिए जाट मुख्यमंत्री नहीं बन पाता। वहीं सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच मची खींचतान पर भी सत्यपाल मलिक ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट की लड़ाई उनकी व्यक्तिगत लड़ाई है, उस पर बोलना ठीक नहीं है, दोनों नेताओं को विवाद निपटाने के लिए सुलह कर लेनी चाहिए। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने केंद्र की मोदी सरकार पर भी बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि MSP मुद्दे को लेकर सरकार इसका हल नहीं निकालना चाहती, सरकार की नीयत नहीं है कि इस मुद्दे का हल निकले। हरियाणा पंजाब में किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं लेकिन केंद्र इस मुद्दे को क्लियर नहीं कर रही। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि MSP मुद्दे को क्लियर करने में अडानी ग्रुप को नुकसान पहुंचेगा, इस कारण केंद्र सरकार MSP मुद्दे का हल नहीं निकालना चाहती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।